हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाई फाई स्टडी। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे अपना जो टॉपिक होगा इंग्लिश में, वो होगा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। टेंस हमारे सारे कंप्लीट हो चुके हैं, तो अब हम सीखेंगे एक्टिव और पैसिव वॉइस, ठीक है ना। देखो, एक्टिव वॉइस दोस्तों, एक यहाँ से बात समझ लेना, तब मैं आपकी क्लास की शुरुआत करूँगा। जो ये एक्टिव होता है ना, एक्टिव, यही आपके क्या होते हैं, टेंस होते हैं। यही आपके क्या होते हैं, टेंस होते हैं। और ये जो पैसिव होता है ना, ये आपके टेंस नहीं होते हैं। एक्टिव पैसिव में बात थोड़ा सा ऐसे होती है, जैसे कहा गया कि वह कार्य करता है। मान लिया ऐसे एक सेंटेंस हो गया, वैसे ये एक्टिव सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। ये वह कार्य करता है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा एक एक्टिव सेंटेंस बन जाएगा, एक टेंस का सेंटेंस बन जाएगा एक्टिव। लेकिन अगर मैं इसी की पैसिव बनाना चाहूँगा, तो ये कुछ इस प्रकार बनेगा कि कार्य को उसके द्वारा किया जाता है या करना पड़ता है। ऐसे हम बना देंगे कि कार्य को उसके द्वारा किया जाता है। ये हमारा क्या बनेगा, पैसिव बनेगा। मतलब बस इतना है कि हम बात को थोड़ा सा घुमा के कह देते हैं, तो वो हमारा पैसिव हो जाता है, और बात को सीधे हम सीक्वेंस में कहते हैं, वो हमारा एक्टिव हो जाता है। आपको पता है कि टेंस हमारे कितने होते हैं, 12 होते हैं ना, 12 टेंस होते हैं, प्रेजेंट के 4, पास्ट के 4 और फ्यूचर के 4, 12। अब देखो, इन पैसिव वॉइस में क्या होता है, पैसिव वॉइस में दोस्तों आपके 8 ही टेंस होते हैं। अभी आप कहोगे, सर ये कौन सी बात हो गई कि पैसिव टेंस में आपके 8 ही टेंस होते हैं, पैसिव वॉइस में कौन कौन से नहीं होते हैं। तो वही तो आज हम लोग सीखेंगे, एक ही क्लास में एक्टिव पैसिव सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ओनली वन क्लास, ठीक है ना भाई। चलो देखो, समझो, यहाँ से आपको समझना क्या है, ज़रा समझिए। मैं आपको कुछ चीज़ें सिखाता हूँ, वो चीज़ आप सीख लीजिए, बस इसका कहानी ख़त्म। देखिए, केवल तीन कंसेप्ट आपको सीखना है बस। कौन से, देखिए, जो आपके एक्टिव सेंटेंस का रूल होता है, एक्टिव सेंटेंस का रूल होता है, वो क्या होता है कि सर सबसे पहले तो सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद मेन वर्ब की कोई भी फॉर्म आ सकती है अकॉर्डिंग टू टेंस के हिसाब से, और फिर आपका क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाता है। ये हो गए एक्टिव का। लेकिन भाई, अगर मैं पैसिव बनाऊंगा ना पैसिव में थोड़ा सा खतरा हो जाता है। कौन सा खतरा हो जाता है, आप अगर इसको 1 नंबर मान लो, इसको 2 नंबर मान लो, इसको 3 मान लो, इसको 4 मान लो, तो यहाँ पर होगा क्या भाई, ये जो 4 नंबर है जिसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं, तो एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होगा, पैसिव का क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ पर सब्जेक्ट को लिख देंगे, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब ही लगाएंगे। लेकिन हेल्पिंग वर्ब के लिए आपको एक सारणी याद करना पड़ेगा, जो मैं अभी आपको बताऊँगा, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद मेन वर्ब। दोस्तों याद रखना कि जो टेंस हैं, देखिए आपको ये चीज़ ज़रूर याद रखना, एक्टिव क्या होता है, टेंस ही होता है, ठीक है ना। तो मैं बार बार टेंस नहीं बोलूँगा, मैं एक्टिव वाइज बोल रहा हूँ, तो समझ जाना। देखिए, जो एक्टिव वाइज में होता है, उसमें मेन वर्ब अलग अलग प्रकार की लगी होती है, कहीं फर्स्ट फॉर्म, कहीं ING फॉर्म, कहीं सेकेंड फॉर्म, कहीं थर्ड फॉर्म, है ना, चारों फॉर्म यूज हो जाती हैं। लेकिन जो पैसिव बनाओगे ना, किसी भी एक्टिव सेंटेंस की अगर आप पैसिव वाइज बनाते हो, तो आप वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म ही लगाओगे, और लास्ट में क्या बचा, ये सब्जेक्ट 1 नंबर बचा। अभी जो 1 नंबर जाएगा सब्जेक्ट आप लगाओगे, तो आपको बाई के साथ सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, बाई के साथ आपको सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। यानी सबसे पहले आप लिखोगे ऑब्जेक्ट, फिर आप हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी सारणी के हिसाब से, वो आपको याद रखना है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा लगाओगे, फिर आपको यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो होगा उसको तो आप सब्जेक्ट ले आए हो, सब्जेक्ट को आप ऑब्जेक्ट बनाओगे, वो भी बाई के साथ लिख दोगे। बस चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं। यहाँ पर देखो, आपको 2 या 3 सारणी आपको याद रखनी, एक रूल आपको याद रखनी है बस,
ठीक है ना। तो आप इस रूल को नोट कर लीजिए, एक्टिव में केवल ये चार चीज़ें होती हैं, पैसिव में ये होता। अगर इस पर भी आप नंबरिंग करना चाहते हो तो लिख लीजिए, चार नंबर को सबसे पहले लाते हैं, फिर दो नंबर रहता है, फिर तीन नंबर, और लास्ट में क्या चला जाता है, बाई के साथ वन, है ना। चलिए क्लियर हो। अब देखो भाई, अब हम क्या करेंगे, टेंस। अब हमारी जो टेंस होती है, जो हेल्पिंग वर्ब वाली जो सारणी होती है, उसको हम सीखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब कैसे चेंज होती है, ठीक है ना। देखो, अगर बात कर लें दोस्तों एक्टिव की, इधर हमने बात की एक्टिव की और इधर बात की हमने पैसिव की, ठीक है भाई। देखो, अगर एक्टिव में जब कभी आपको डू या डज लिखा मिल जाएगा, एक्टिव में जब कभी आपको डू या डज लिखा मिल जाएगा, तो आप वहीं पर उसको क्या लिखोगे, इज एम आर लिखोगे, इज एम आर लिखोगे। और अगर आपको एक्टिव में इज एम आर लिखा मिल गया, अगर आपको एक्टिव में इज एम आर लिखा मिल गया, तो आपको इज एम आर ही रखने देना है, इज एम आर ही रखने देना है। इसके साथ आप बींग जोड़ दोगे, बस इसके साथ आप बींग जोड़ दोगे, यानी इज बींग हो जाएगा, एम बींग हो जाएगा, आर बींग हो जाएगा, बस। अब देखो, डू डज हो गया, इज एम आर हो गया, फिर क्या आता है, हैज और हैव, हैज और क्या आता है दोस्तों, हैव आता है, हैज और हैव, हैज और हैव किस में चेंज होता है, तो ये सर आपका हैज और हैव जो होता है, ये आपका हैज बीन और हैव बीन में चेंज हो जाता है। जिस प्रकार इज एम आर में हमने बींग, बी ई आई एन जी, बींग जोड़ा, ठीक उसी प्रकार हमने हैज या हैव में बीन जोड़ा, क्या जोड़ा सर, बीन जोड़ा। और अब आपको देखिए एक चीज़ समझ रहे हो ना, ये आपका क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ये क्या आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, ये क्या है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और लास्ट में क्या आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आएगा। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज या हैव बीन होती है, हैज या हैव बीन होती है ना। तो ये सर हमारा क्या आ जाता है, नो चेंज, मतलब इसकी पैसिव वाइज बनती ही नहीं है, क्रॉस लगा देना, इसकी पैसिव वाइज नहीं बनती है। ये हो गए प्रेजेंट के चारों, इंडेफिनिट कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर डू डज आएगा तो आप इज एम आर में बदलोगे, अगर इज एम आर आएगा तो आप इज एम आर बींग में बदलोगे, अगर हैज हैव आएगा तो हैज बीन हैव बीन में बदलोगे, अगर हैज हैव बीन ऑलरेडी आपका एक्टिव में दिया गया तो भाई उसकी आप क्या कर सकते हो, पैसिव नहीं बना सकते हो, यानी नो चेंज हो जाएगा। क्लियर बात ना। चलो आगे पहुंचते हैं, ये हो गई बात, आगे समझिए, ये हो गए आपके प्रेजेंट के। अगर पास्ट में ऐसे ही बात आ जाए तब क्या करोगे सर, कुछ नहीं, जैसे यहाँ पर रूल बने हैं वैसे वहाँ पर भी रूल बने हैं। पैसिव में क्या होगा, देखो पास्ट में क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डिड होती है ना, डिड। अगर कहीं आपको डिड किस में लिखा मिल जाए, एक्टिव में, अगर कहीं आपको डिड एक्टिव में लिखा मिल जाए तो पैसिव में वो क्या बन जाएगा, पैसिव में सर वो वाज या वर बन जाएगा, क्या बन जाएगा, वाज या वर बन जाएगा। और कहीं एक्टिव में अगर आपको वाज या वर लिखा मिल गया तब बोलो, कहीं आपको एक्टिव टेंस में ही आपको वाज या वर लिखा मिल गया, कुछ नहीं सर, वाज और वर के साथ क्या ऐड करेंगे बोलो, वाज या वर के साथ हम बींग ऐड करेंगे, बीन, नागिन वाली बीन नहीं भाई, बींग, कंटिन्यूअस में बींग ऐड करेंगे, है ना। और अब देखो क्या हो गया, इंडिफिनिट हो गया, कंटिन्यूअस हो गया, परफेक्ट, परफेक्ट में क्या होगा, अगर हैड आता है, आपको पता पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैड होती है, अगर हैड आएगा तो हैड के साथ क्या करेंगे, बीन जोड़ देंगे, तो क्या बन जाएगा, हैड बीन बन जाता है, हैड बीन बन गया, क्लियर ना। और अगर पहले से भैया हैड बीन दिया गया है कि लो भैया हैड बीन पहले से है, तो ये तो हो गई परफेक्ट कंटिन्यूअस, और परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होगा, नो चेंज हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम किसी को, नो चेंज हो जाएगा, क्लियर। अगर डिड आएगा तो वाज या वर में, अगर वाज या वर आएगा तो वाज वर बींग में, अगर हैड आएगा तो हैड बीन में, अगर हैड बीन आ गया तो नो चेंज। अभी आप केवल सारणी को समझिए, जब मैं अभी आपको एग्जांपल कराऊंगा ना, सीधे दिमाग में सेट हो जाएगा, कभी नहीं भूलोगे भाई इसको, ठीक है ना। ये पास्ट के हो गए, प्रेजेंट के हो गए, अब फ्यूचर के चारों सीख लेते हैं बस, ठीक है ना।
फ्यूचर के चारों सीख लेंगे, फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब सभी को पता ही होगी क्या होती है, फ्यूचर टेंस की हेल्पिंग वर्ब। भाई देखो एक्टिव में बात करें तो फ्यूचर में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, विल या फिर शैल, विल या फिर शैल होती है। तो अगर विल शैल दिखेगा तो आप चेंज करोगे विल बी या फिर शैल बी, विल बी या फिर शैल बी, ये किसकी होगी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की होती है। अगर आपको दोस्तों पहले से ही मिल गया कि भैया ये विल बी लगा है या फिर क्या लगा है, शैल बी लगा है, तो आप तुरंत उसको क्या लिखोगे कि नो चेंज, मतलब ये नहीं बदलेगा। ओके ठीक है, अब देखो क्या हो गया, अगर आपको लिखा मिल गया विल हैव, विल हैव या फिर लिखा मिल गया दोस्तों शैल हैव, विल हैव या शैल हैव, तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, अगर विल हैव शैल हैव लिखा मिल गया तो इसके साथ आप बीन लगा दोगे, यानी विल हैव बीन हो जाएगा, विल हैव बीन, या फिर आपका हो जाएगा शैल हैव बीन, शैल हैव बीन। और अगर ये पहले से लिखा मिला है विल हैव बीन, अगर भाई ये पहले से लिखा है कि विल हैव बीन या शैल हैव बीन, ठीक है ना, या आप यहाँ पर लिख सकते हो शैल हैव बीन, शैल हैव बीन, तो ये क्या होगा, नो चेंज होगा। तो आपने यहाँ से एक चीज़ सीखी कि फ्यूचर टेंस के दो टेंसों में, एक तो कंटिन्यूअस और एक तो परफेक्ट कंटिन्यूअस, दोनों की पैसिव वाइज नहीं बनती है, ये चीज़ आप सीख चुके होंगे। आई होप आपकी ये समझ में आ चुका होगा, इसको नोट कीजिए, फिर सब्जेक्ट वाली सारणी देखेंगे, बस एग्जांपल करेंगे हम लोग, ठीक है ना भाई, फिर हम लोग सब्जेक्ट वाली सारणी देखेंगे और एग्जांपल करेंगे, ठीक है, क्लियर हो गया ना। चलिए देखिए, एक बार में अगर नहीं समझ में आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग दोबारा से वीडियो देखना, तीसरी बार भी देखना, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि आप देखते ही सेंटेंस को बना पाओगे, देखते ही सेंटेंस को आप बना पाओगे। अब देखो सब्जेक्ट सारणी, अब क्या है सब्जेक्ट सारणी, सब्जेक्ट टेबल, सब्जेक्ट टेबल, इधर हम लिख रहे हैं सर एक्टिव, उधर हमने लिख दिया पैशन, रट लेना इसको, ठीक है ना। अगर एक्टिव में आई आ रहा है, यू आ रहा है, दे आ रहा है, वी आ रहा है, आई ही आ रहा है, शी आ रहा है, तो आप क्या करोगे, अगर एक्टिव में आई आ रहा है तो सब में क्या बना दोगे भाई, बाई मी, ये सब्जेक्ट टू सारणी है, याद रखना सब्जेक्ट टू सारणी, और आपको पता है एक्टिव का सब्जेक्ट पैसिव का ऑब्जेक्ट बनता है, आई बाई मी में हो जाएगा, और यू किस में, बाई यू में ही रहेगा, और दे किस में हो जाएगा, बाई देम में हो जाएगा, भाई किस में हो जाएगा, बाई देम में, वी किस में हो जाएगा, बाई अश में हो जाएगा, ये वी बाई अश में हो गया, ही किस में हो जाता है, ये बाई हिम में हो गया, किस में हो गया, बाई हिम में, सी किस में हो जाता है, तो बाई हर में हो जाता है, बाई हर में हो जाता है। ये बाई बाई मैंने क्यों सब में लिखा, क्योंकि आपको पता है कि सब्जेक्ट को जब मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ तो बाई के साथ ही लिखता हूँ, इसको नोट कीजिए, फिर एग्जांपल देख लेते हैं और उसको अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना भाई। चलिए अब समझने वाली चीज़ें यहाँ से स्टार्ट हो रही हैं, एग्जांपल मैं करा रहा हूँ और आपको समझना है, ठीक है ना, एग्जांपल मैं करा रहा हूँ आपको इसको समझना है भाई। देखिए पहला एग्जांपल नंबर फर्स्ट, जैसे है ही प्लेस फुटबॉल, ही प्लेस फुटबॉल, इसकी आपको पैसिव वाइज बनाना है, ये आपका क्या है, ये आपका एक एक्टिव सेंटेंस है, इसकी आपको पैसिव वाइज बनाना है, इसकी आपको पैसिव वाइज बनाना है,
तो टेंस पढ़े हो तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो पहचान ही जाओगे, है ना। अब ये बताओ दोस्तों, ये आपका किस टेंस का है, ये आपका किस टेंस का है? तो देखो, मेन वर्ब के साथ एस या ईएस लगा है, और ऐसा काम किस टेंस में होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता। तो आई एम श्योर कि ये हमारा किस टेंस का है सर? तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है भाई। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डू या फिर डज होती है, क्लियर। और डू डज किस में चेंज होता है? तो इज एम आर में चेंज होता है, अभी जस्ट मैंने बताया चेंज होता है ना। ओके सर, तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है भाई? ही क्या हो गया? ही हमारा सब्जेक्ट, ये एक नंबर हो गया। और हेल्पिंग वर्ब छिपी है, दिख नहीं रही है, तो ये तीन नंबर हो गया हमारा, ये तीन नंबर हो गया। और फुटबॉल क्या हो गया? चार नंबर हो गया। लेकिन यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब छिपी है क्योंकि यहाँ पर मेन वर्ब के साथ एस या ई एस लगा, तो हम चार नंबर को सबसे पहले लाते हैं। तो चार नंबर को अगर हम सबसे पहले लाएंगे तो क्या बन जाएगा? फुटबॉल। फुटबॉल भाई, चार नंबर को सबसे पहले लाए, पैसों का रूल याद है ना, चार नंबर को सबसे पहले लाया। अब चार नंबर सबसे पहले, अब हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब डू या डज, डू डज के साथ क्या लगाएंगे? इज एम आर। लेकिन बात दोस्तों ये है कि इज लगाएं कि एम लगाएं कि आर लगाएं, तो टेंस वाला रूल फॉलो करेंगे। अगर एक वचन है तो इज लगाएंगे, बहुवचन है तो आर लगाएंगे, आई है तो एम लगाएंगे। तो फुटबॉल, फुटबॉल के साथ इज लगाएं, एम लगाएं, आर लगाएं। जितने भी साथी समझ पा रहे हैं कि सर इज लगाओ, तो बहुत सही भाई, फुटबॉल इज। मेन वर्ब क्या है? प्ले। तो प्ले, अब ये बताओ कि प्ले, प्ले का क्या होगा भाई? थर्ड फॉर्म, हमेशा पैशु वाइज में थर्ड फॉर्म। तो फुटबॉल इज प्लेड, प्लेड। और अब क्या आएगा? ये बाई, बाई जाएगा, तो यह ही जाएगा, तो बाई के साथ लगेगा ना, बाई ही किस में चेंज होता है? हिम में, तो बाई हिम। कोई प्रॉब्लम? फुटबॉल इज प्लेड बाई हिम, फुटबॉल को उसके द्वारा खेला जाता है, फुटबॉल को उसके द्वारा खेला जा रहा है, ठीक है ना। अगला, जैसे दूसरा मैंने एग्जांपल कह दिया, दूसरा जैसे मैंने दोस्तों क्या कह दिया कि शी डज नॉट प्ले क्रिकेट, शी डज नॉट प्ले CRICKET क्रिकेट। चलिए इसके बनाइए, सी डज नॉट प्ले क्रिकेट, इसके बना के बताइए, सी डज नॉट प्ले क्रिकेट, इसको आप बना के जल्दी से बताओ कैसे इसको बनाओगे। कुछ ना करिए दोस्तों, कुछ ना करिए। आप देखो ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट भाई, ऑब्जेक्ट क्रिकेट है ना, तो क्रिकेट को सबसे पहले ले आओगे, तो पैसों इसकी क्या बन जाएगी? क्रिकेट, CRICKET क्रिकेट हो गया। ओके, यहाँ पर देखो डू डज है, और डू डज किस में चेंज होता है? इज एम आर में। अब क्रिकेट के साथ इज लगाएंगे, एम लगाएंगे, आर, क्योंकि क्रिकेट सिंगुलर है इसलिए हम इज लगाएंगे। क्रिकेट इज नॉट है ना, ये देखो नॉट, तो नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है, चाहे एक्टिव हो चाहे पैसिव हो। तो क्रिकेट इज नॉट। प्ले की थर्ड फॉर्म दोस्तों क्या होती है? प्लेड, क्योंकि पैसिव वाइज में हमेशा थर्ड फॉर्म। क्रिकेट इज नॉट प्लेड। और बाई, ये सी, सी जाएगा ऑब्जेक्ट में, तो सी किस में चेंज होता है? बाई हर में, तो बाई हर। बोलो कोई प्रॉब्लम? बाई हर, क्लियर बात ना। चलिए, ये आपके समझ में आ चुका होगा, थोड़ा थोड़ा आपके समझ में आ रहा होगा। ये दो एग्जाम्पल थे, अगले एग्जाम्पल पर हम लोग पहुँच रहे हैं, इसको आप समझ चुके होंगे, ठीक है ना भाई। चलो देखिए, सारणी अगर आपकी समझ में आ गई है, रूल समझ में आ गया, तो फिर आप पैसिव वॉइस बना दोगे, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है आपको। जैसे अगला मैंने कह दिया तीन नंबर, तीसरा मैंने दोस्तों क्या कह दिया? मैंने कह दिया कि डू आई कॉल यू, डू आई कॉल यू, बना के बताओ, डू आई कॉल यू। और नेक्स्ट फोर नंबर में आपसे कह रहा हूँ, फोर नंबर क्या है आपका? रेखा वाज सिंगिंग अ सॉन्ग, रेखा वाज सिंगिंग अ सॉन्ग, सिंगिंग अ सॉन्ग। इन दोनों की बना के बताओ, इन दोनों की बना के बताओ,
डू आई कॉल यू, और दूसरा है रेखा वाज सिंगिंग आ सॉन्ग। अब आप देखो डू और डस किसमें बदलता है। आपने हेल्पिंग वर्ब देखा डू, और डू डस सर किसमें बदलता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में दागो भाई। डू डस आपका इज एम आर में बदलता है, इज एम आर में बदलता है। ओके, अब देखो ऑब्जेक्ट क्या है, यू, आई कॉल यू, डू क्या, मैं तुम्हें बुलाता हूँ, यही तो होगा ना, तो किसको बुलाता हूँ, तुमको, तो तुम ऑब्जेक्ट यानी यू कहाँ आएगा, यहाँ आ जाएगा, तो हमने सबसे पहले यू लिख दिया। लेकिन सर चूंकि यहाँ हमारा एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, देखो लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह और शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब, यहाँ एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो पैसिव वाइज भी इंट्रोगेटिव बनेगी, यानी जो हेल्पिंग वर्ब डू है ये डू इज एम आर में बदलता है, लेकिन सब्जेक्ट आ गया यू, और यू के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, एम लगाएंगे, आर लगाएंगे, तो आप कहोगे सर यू के साथ आर का प्रयोग होता है, आर यू। मेन वर्ब क्या है, कॉल, और कॉल की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कॉल्ड होती है, तो कॉल्ड हो गया, आर यू कॉल्ड। आई जाएगा तो आई किस में बदलता है, बाई मी में, तो बाई मी, और लास्ट में ये साइन ऑफ इंट्रोगेशन बनकर रेडी हो गया, आर यू कॉल्ड बाई मी, क्या मुझे तुम्हारे द्वारा बुलाया जाता है। ओके, इसको देखिए, रेखा वाज सिंगिंग अ सॉन्ग, ऑब्जेक्ट क्या है, आ सॉन्ग, ऑब्जेक्ट है आ सॉन्ग, आ सॉन्ग को सबसे पहले ले आएंगे, तो हमने लिख दिया आ सॉन्ग। ठीक है, अब देखो वाज या वर, हेल्पिंग वर्ब सर क्या आई, वाज या वर आई, भाई हेल्पिंग वर्ब क्या आई, वाज या वर आई, और वाज वर किस में बदलता है, वाज वर के साथ क्या लग जाता है, वाज वर के साथ बींग लग जाता है, वाज वर के साथ बींग लग गया, वाज बींग वर बींग। ए सॉन्ग के साथ बोलो वाज बींग लगाएं या वर बींग लगाएं, आपको सर ए सॉन्ग सिंगुलर है तो इसलिए क्या लगाएंगे, वाज बींग लगाएंगे, तो मैंने वाज बींग लगा दिया, ए सॉन्ग वाज बींग। अब देखो सिंगिंग मेरी आईएनजी फॉर्म है, चूंकि ये क्या है पास्ट कंटिन्यूअस है ना, और ये हमारा आईएनजी फॉर्म है, चूंकि थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो सिंगिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है, संग होता है, ठीक है ना, सिंग सिंगिंग संग होता है। उसके बाद किसके द्वारा, रेखा के द्वारा, तो रेखा कहाँ चली जाएंगी, पीछे ऑब्जेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, बाई रेखा हो जाएगा, बाई रेखा हो गया। उम्मीद करते हैं आपकी समझ में आया होगा, नोट कीजिए, नेक्स्ट पे पहुँचते हैं, इसको नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट पे पहुँचते हैं। क्लियर हो गई ना बात भाई, देखिए धीरे धीरे आपके समझ में आ रहा होगा कि हमें क्या क्या चीज़ें बदलनी पड़ती हैं, इससे ज़्यादा आपके पेपर में पूछा भी नहीं जाएगा कि इंपरेटिव का पूछ ले, लेट वाला पूछ सकता है, तो लेट वाला मैं आपको करा दूंगा, ठीक है ना भाई। देखो अगला हमारा जैसे कह दिया, नेक्स्ट फोर नंबर, ये जैसे कह दिया कि दे विल इन्फॉर्म इन्फॉर्म यू अबाउट इट, इसकी पैशियो वाइज बना के बताओ, यह एक प्रकार का आपका एक्टिव सेंटेंस है, इसकी पैशियो वाइज बना के जल्दी से बताओ। दे विल इन्फॉर्म यू अबाउट इट, इस बारे में वह तुम्हें कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो आप देखो ऑब्जेक्ट क्या है सर, यू, यू ऑब्जेक्ट है, किसको दे रहे हैं, तुम्हें दे रहे हैं ना, तो यू ऑब्जेक्ट, इसको सबसे पहले ले आएंगे, तो हो गया यू। अब ये बताओ कि आई और वी के साथ शैल लगता है, बाकी सब के साथ विल लगता है, तो विल है, और विल किस में चेंज होता है, विल बी में चेंज होता है, तो यू विल बी। मेन वर्ब इनफॉर्म है, तो इनफॉर्म की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, इनफॉर्म्ड हो जाएगा, इनफॉर्म्ड, और किसे दे दे जाएगा दे में, लेकिन किसके बारे में, अबाउट इट, इस बारे में, तो अबाउट इट, और किस में भाई, दे किस में आएगा भाई, दे आ जाएगा आपका दे में, तो भाई दे।
क्लियर ना, यू विल बी इन्फॉर्म्ड अबाउट इट बाई देम। आई होप आपकी समझ में आया होगा। नेक्स्ट अगला देखिए, फाइव नंबर। जैसे फाइव नंबर है आपका, आई हैव वॉचड दिस मूवी, आई हैव वॉचड दिस मूवी। ये तो बिल्कुल सिंपल है भाई, जल्दी से बताओ, जल्दी से इसकी बनाने की कोशिश करो भाई, जल्दी से बनाने का कोशिश करो, क्या होगा। आई हैव वॉचड दिस मूवी। अब आप यहां पर देखो सर कि ऑब्जेक्ट क्या है, दिस मूवी यह पिक्चर, तो हम इसको सबसे पहले लाएंगे, यानी ये आपका एक्ट टू है, इसका पैसो क्या बन जाएगा, दिस मूवी, दिस मूवी। उसके बाद एक चीज बहुत जरूरी है आपको समझना, ये हैव है ना, और ये हैज हैव किस में चेंज होता है बोलो, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, क्योंकि थर्ड फॉर्म परफेक्ट में ही लगती है, और ये प्रेजेंट परफेक्ट किस में चेंज होगा, हैज हैव हैज बीन हैव बीन में। तो दिस मूवी अकेली मूवी है ना, तो मतलब हम क्या लिखेंगे, हैज हैज के साथ बीन। यह चीज जरूर याद रखना, आई के साथ हैव लगता है बट सिंगुलर के साथ हैज ही लगता है। तो दिस मूवी हैज बीन वॉच, ये थर्ड फॉर्म ऑलरेडी पहले से लगी है, तो हम यहाँ पर पहले से यही फॉर्म ही लिख देंगे। उसके बाद बाई लगाएंगे, और ये दे वाले भाई साहब, आई वाले भाई साहब कहाँ जाएंगे, मी में, तो बाई मी हो गया, बाई क्या हो गया, मी हो गया। दिस मूवी हैज बीन वॉचड बाई मी, इस पिक्चर को मेरे द्वारा देखा गया, बन गया भाई, ठीक है ना, क्लियर। आगे पहुंचते हैं भाई, आगे देख लेते हैं हम एक दो और सेंटेंसों को, फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे हम लोग। अब आप इतनी क्लास देखने के बाद थोड़ा सा आप अपने आप से प्रयास करना लगाने का, क्योंकि भाई टीचर आपको राह दिखा सकता है, बाकी वो घोर कर पिला नहीं सकता आपको, बस आपको मेहनत आप जितनी करोगे उतना आपको आएगा। अगला जैसे सिक्स नंबर कह दिया, सिक्स नंबर, वाई डिड ही कॉल यू, Why did he call you? इसको बना के बताओ। यह आपका क्या है भाई, यह आपका एक डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि डब्ल्यू एच फैमिली बिल्कुल सामने रखी है, क्यों है ना, क्यों सबसे पहले है ना, Why did he call you? अब did किस सेंटेंस, किस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, did, तो did आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, और did किस में चेंज होता है, was या were में चेंज होता है। आपको सिंपल पता है कि जो did है सर, आप सारणी को भी लिख लेना सारणी में, ठीक है ना, did किस में चेंज होगा, was या were में चेंज होगा, was लगेगा कि were लगेगा, डिपेंड करेगा ऑब्जेक्ट के ऊपर। देखो जिस प्रकार आपका निगेटिव सेंटेंस की पैसिव वाइज भी निगेटिव रहती है, इंटरोगेटिव सेंटेंस की पैसिव वाइज भी इंटरोगेटिव रहती है, ठीक उसी प्रकार डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस की पैसिव वाइज भी डबल इंटरोगेटिव होगी। यानी व्हाई तो सबसे पहले हम लिखेंगे ही लिखेंगे, तो हमने व्हाई को सबसे पहले लिख लिया व्हाई। अब देखो डिड है, डिड किस में चेंज होगा, वाज या वर में, लेकिन ये आएगा ना आगे, तो ये आएगा यू, और यू के साथ क्या लगता है, वर लगता है, तो डिड वर यू, ये यू आगे आ गया। अब मेन वर्ब कॉल, कॉल के थर्ड फॉर्म कॉल्ड होती है, क्योंकि पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म ही लगाते हैं, वाई वर यू कॉल्ड, और ही किस में चेंज होगा, बाई हिम। लास्ट में ये प्रश्नवाचक चिन्ह, लास्ट में ये प्रश्नवाचक चिन्ह। अब एक लास्ट में आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ये आप कर लेना, ये आप करने की कोशिश करना, हाउ मच डज ही लव हिज ब्रदर। इसके आपको पैसिव वाइज दोस्तों बताना है, इसके आपको पैसिव वाइज बनाना है, हाउ मच डज ही लव हिज ब्रदर। एक काम करना आपको दोस्तों, जो आपको हेल्पिंग वर्ब वाली टेबल मैंने आपको बताई है, हेल्पिंग वर्ब वाली टेबल वो, और जो आपको मैंने सब्जेक्ट वाली टेबल बताई है वो, रूल क्या पैसिव वाइज का होता है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग यानी सारणी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे,
मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, बाई के साथ सब्जेक्ट को जोड़ देंगे, बस। क्लियर बात ना? तो ये एक्टिव पैसिव वाला हमारा जो सिस्टम था ये ख़त्म हुआ। उम्मीद करते हैं आपके समझ में आ चुका होगा। अगर नहीं आया तो मैं आपको सेंटेंस जो है एक वीडियो और इस पर बना दूंगा, जिसमें मैं आपको सेंटेंस ही बताऊंगा केवल, ठीक है ना? तो ठीक है भाई, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।